वही जिला नरसिंहपुर के तहसील मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाला यह छोटा सा जर्जर पुल बड़ी दुर्घटना को दस्तक देता नजर आ रहा है। दरअसल यह लकड़ी का जर्जर पुल का दृश्य ग्रामीण क्षेत्र गोटे गांव के पटेल वार्ड स्थित अहमनरा नाले का है, जो वार्ड को ग्राम पंचायत छिंदोरी और नगर पालिका सीमा क्षेत्र से जोड़ता है। बता दें कि स्कूली बच्चे यह रास्ता नगर पालिका सीमा क्षेत्र से जोड़ता है। बता दें कि यहाँ स्कूली बच्चे हो या अन्य ग्रामीण और वार्ड वासी सभी इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर रहते हैं, लेकिन यह रास्ता उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। लेकिन इस विषय में संबंधित जिम्मेदार कोई आवश्यक कदम उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। कच्चे पुल के लिए क्या इधर मोहन लेके आते जाते बहुत से लड़के बच्चे हैं, आते जाते हैं। मोहल्ला बहुत बड़ा है, हम लोग सभी संगठन हो के सरपंच से भी बताए हैं एक दो बार, लेकिन कोई नहीं सुनता। नगर पालिका वाले भी नहीं सुनते। सरपंच क्या बोल रहे हैं? सरपंच बोलते हैं बस सेंक्शन होने वाली है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। घर के निवासी निवासी तो कम से कम यहाँ पे 50-60 घर के हैं। अरे नहीं जी, स्कूल भी बना हुआ है। स्कूल भी बना था पहले, अब तो बंद हो गया है। ये जो पुल बनने चाहिए, हम लोग गिरते हैं इधर, हाथ पैर टूटते हैं हम लोगों के। बनना चाहिए, इतना पुल निकलने के लिए जगह ही नहीं है। इतनी मोहल्ला वालों के लिए परेशान हो रहा है। तो आपके लिए ये मेन रास्ता है क्या? ये मेन रास्ता है, इतना घर मार्केट जाने के लिए भी यही है और हम लोगों की यही रास्ता है। तो यहाँ पे क्या स्कूल वगैरह भी है उस साइड? स्कूल है ना, इधर पे स्कूल है। बच्चों के लिए भी परेशानी, अब ठीक है बारिश में कितनी परेशानी है हम लोगों को निकलने में। जैसा कि ये है तो पंचायत वार्ड छिंदोरी, लेकिन इसका पिछले 2-3 वर्षों से लगातार विस्तार बढ़ता जा रहा है। इस कारण से वहाँ आबादी भी बढ़ रही है और इस कारण से वहाँ आने जाने में ये लोग एक पुल का सहारा लेते हैं, जो कि कच्चा और एक लकड़ी का बना हुआ पुल है। इस पुल को पिछले चुनाव के टाइम पे मोनू भाई जी ने कहा था कि इस पर हम मतलब एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, लेकिन मैंने जिला पंचायत में लगभग 2 साल से प्रस्ताव दिया हुआ है और अभी कुछ दिन पूर्व आदरणीय महेंद्र नागेश जी विधायक गोटेगांव को भी मैंने इस बारे में अवगत कराया था।